अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ढेर सारा। और जी आज बना रहे हैं दाल मखनी। हाँ, मैंने दाल ले ली है और इसको भिगो दिया है और चूल्हे पे रख दिया है। इसको करेंगे बॉयल। ये मूंगी की साबुत दाल है, काले माश के साथ ही बन सकती है। और साथ इसमें डाल दिया है मैंने हसब ज़रूरत सॉल्ट। इसको मैं बॉयल कर लूँगी, 70% तकरीबन इसको कुक करेंगे, फुल कुक नहीं करना इसको। इसको बॉईल करने के लिए मैंने अब रख दिया है। और जी यहाँ पे ये देखें, ये हो गई है डन। जो मैं चाहती थी जितना ये गली हुई हो, ये उतनी गल गई है। ठीक है, अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी, ये तब तक कूल हो जाएगी। इसका पानी जो है मैं वो निकाल दूँगी। और इधर एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिए है और एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिए। इसको दो भी ले सकते हैं, दरमियाने साइज़ के अगर हों। मे बी एक समटाइम बड़े साइज़ का नहीं मिलता तो दो भी ले सकते हैं। और जी दाल ठंडी हो गई थी, ठंडी दाल में मैंने अब एक कप दूध ऐड कर देना है। ठीक है, ये मैंने दूध ऐड कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में ज़रा ज़्यादा मुझे लगता है टेस्ट आता है, अपनी वो ऐसी नफसियाती बात है मेरी। अच्छा, आप किसी भी पॉट में बना सकते हैं। अच्छा, जो वो थे ना टमाटर और प्याज, उन दोनों का मैंने पेस्ट बना लिया। ये देखें, ये टमाटर का पेस्ट है और वो प्याज का पेस्ट था। अब यहाँ ऑयल ऐड कर लूँगी मैं। अच्छा, जो लोग देसी घी में पकाना पसंद करते हैं वो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। और घी या जो भी चीज़ ऐड करनी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में करनी है, जितनी नॉर्मल हमारी कुकिंग में यूज़ होती है रोज़मर्रा के सालन में, उससे ज़्यादा ये इसमें ऑयल ऐड कर लेना। बहुत ज़्यादा भी ना हो कि वो ऑयली ऑयल हो जाए। ठीक है, उसको गर्म करने के बाद इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ प्याज। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो रहा है प्याज गोल्डन। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक। ये लहसुन अदरक का पेस्ट था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जो मैंने पीस लिए थे टमाटर वो ऐड करूँगी। अच्छे से गोल्डन कर लेना है पहले प्याज और लहसुन अदरक। अच्छा, मैंने इधर से उठा कर वहाँ साइड पर रख लिया था, मुझे थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो रही थी। अच्छा, उसमें मैं अब ऐड करी हूँ टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और हसब ज़रूरत सॉल्ट। जितना भी ज़रूरत, पहले ऑलरेडी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, ये बात याद रखिएगा। कुछ लोग नहीं भी ऐड करते हैं बॉयल करते हुए। अब इसको अच्छे से भून लेने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ताज़ा दही। अच्छा, दही डाल के इसको फ़ौरन से हिला लेना चाहिए दही, क्योंकि फुटकी बन जाती है उसके अंदर। फ़ौरन से चम्मच चलाते रहना चाहिए, क्योंकि नीचे से फ्लेम मैं तो ऑन ही रखती हूँ। बाज़ लोग फ्लेम ऑफ़ करके भी दही ऐड करते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको हाफ़ कर लेना है। ये जो मसाला मैंने रेडी किया है उसको मैं हाफ़ निकाल लूँगी और हाफ़ इसी के अंदर रहने दूँगी मैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी टिप होती है स्पेशली दाल मखनी में। ये इसीलिए मैंने ये अपने स्टाइल में बनाई है, अपने तरीके से। और ये जो वो दाल थी जो ठंडी हो गई थी दूध के साथ, मैंने ऐड कर दी है। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट। मैं तो बिना कवर किए ही इसको कुक करूँगी, और अगर कवर करके कुक करना है तो वो मेरे ख़्याल से 7 to 6 मिनट में अच्छी से कुक हो जाती है, क्योंकि वो उसकी स्टीम भी बन जाती है ना उसके साथ साथ। अब इसमें ऐड करूँगी मैं जो बाकी मैंने हाफ़ निकाल लिया था मसाला, लहसुन अदरक टमाटर प्याज का जो पेस्ट था वो अब ऐड कर दिया, वो इसमें मिक्स करेंगे। बस इसमें लास्ट जो है वो मिक्सिंग का है और कुछ लंबा कोई काम नहीं है। फ्लेम हल्की सी, बिल्कुल मैंने फ्लेम इसका बिल्कुल लो कर दिया है। हल्की हल्की आंच पे खाना अच्छा बनता है, बिल्कुल स्लो स्लो सा। बट इतनी देर वेट अब नहीं किया जाता, वो पहले होते थे मिट्टी के बर्तन। अच्छा, ये कसूरी मेथी है जो मैंने अच्छे तरीके से हाथों से ही मज़ीद इसको वो कर ली थी, पीस ली थी मैंने। ये ऑलरेडी इतनी ड्राई होती है कि बस वो एक उसे पिस जाती है। कसूरी मेथी ऐड कर लेने के बाद इसका मैंने फ्लेम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं साथ मैंने। ये कटी हुई हरी मिर्च बहुत अच्छा टेस्ट देती है।
दैट्स इट। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कुकिंग क्रीम। अभी ये देखें, ये एक हाथ से मेरे हो नहीं रही थी, मुश्किल हुई थोड़ी सी। खैर ये इसकी फाइनल लुक है। इसके ऊपर अब हम रखेंगे बटर। और जी ये है हमारी दाल मखनी, मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा। दूसरों के साथ भी शेयर करें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और इसको देखें कितनी मज़े की लग रही है, खाने में कितनी मज़े की होगी। टेक केयर।